अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, मैं अपने घर में जो रोस्ट बनाती हूँ उनके जो मसाले, हमारी किचन में मौजूद जो मसाले होते हैं ना, उनसे मैं बना कर किस तरह उनको इतना मज़ेदार और डिलीशियस बनाती हूँ, इसकी रेसिपी आज मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ कि वो मैं कौन से मसाले लगाती हूँ। तो चलें आप वीडियो को एंड तक देखें। तो शुरू करते हैं हम इसको बनाना। मैं आपसे जो है ना अपने जो रोस्ट मसाले हैं ना वो शेयर करूंगी कि मैं किस तरह अपने घर के जो बनाए हुए अपनी किचन में मौजूद होती हैं जो चीज़ें, उनसे जो है ना इजी तरीके से किस तरह बनाती हूँ ये आपसे शेयर करूंगी। इसकी बहुत रिक्वेस्ट भी मेरे पास आई हुई थी। तो चलें हम इसको शुरू करते हैं कि किस तरह मैं अपने जो है ना रोस्ट मसाले, टिक्का मसाले, जो भी मैं चिकन के बनाती हूँ रोस्ट जो चीज़ उसमें जो भी डालती हूँ वो सब मैं आज आपसे शेयर करूंगी कि मैं किस तरह बनाती हूँ घर में। सबसे पहले ये सूखा धनिया जो है ना ये लेंगे 1/2 कप। इसी तरह जीरा जो है ये भी 1/2 कप। और सौंफ जो है ये 1/4 कप। और ये कुटी हुई मिर्चें जो है ये भी 1/4 कप। और 7-8 ये डाल दें बैर वाली, या दूसरी आपके पास लंबी मिर्चें हों वो डाल दें। ये 10-12 लौंग, चार ये मोटी इलायची, और 1 चम्मच जो है अजवाइन। इसका जो है ना फ्लेवर बहुत स्ट्रांग होता है इसलिए ये इतनी बहुत है। तो अगर आपको पसंद है तो डाल दें, अगर नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और 1 टीस्पून तकरीबन जो है इसमें काली मिर्चें। अब ये सारी हम ग्राइंड करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि फिर इसका क्या करना है। ये सारे मसाले हम डालेंगे अपनी मिक्सी में, इसको फाइन सा पाउडर बनाएंगे, फिर मैं बताती हूँ आपको क्या करना है इसका। ये हमारे देखें हो गए हैं मसाले इस तरह के हमें चाहिए पाउडर फॉर्म में, ये देखें। बाकी अब जो इसमें मसाले डालने हैं वो मैं बताती हूँ आपको। चलें जी, अब इसमें जाएगा 1 कप बेसन, ये फुल कप 1 बेसन का, 1/2 कप तंदूरी मसाला ये इसमें शामिल करें, और 1 खाने का चम्मच अनारदाना पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 1 खाने की चम्मच जो रेगुलर हमारी मिर्चें सुरख मिर्चें वो, और 1 टीस्पून ब्लैक सीड जो है। और
और एक खाने का चम्मच मेथी, कसूरी मेथी। बस अब ये हो गया हमारा मसाला रेडी। नमक मैं इसमें नहीं ऐड करूँगी, नमक आपने जो है ना बाद में करना है कि हमने कितना बनाना है उस के हिसाब से आपने नमक जो है ना इसमें शामिल करना है। ऐसे मिक्स करके आप किसी जार में डाल कर रख दें तो पूरा महीना आप रमज़ान का यूज़ करें आराम से। कभी इस तरह होता है कि हम कोई रोस्ट टिक्के या कुछ चरगा या इस तरह कुछ बनाने लगते हैं तो कोई एक मसाला नहीं होता तो हम कहते हैं वो आज हम नहीं बना सकते, हमारे पास ये मसाले नहीं हैं। मैं तो बहुत टाइम से जो है ना बाज़ार का कोई मसाला नहीं यूज़ करती, अपने मसाले यूज़ करती हूँ। ये जो हमारी किचन में मौजूद होते हैं ये सारे डाल कर इस तरह आप बना लें, देखें कितनी जल्दी और कितने अच्छे फ्रेश और इनकी खुशबू देखें इतनी नाइस। ये देखें हो गया हमारा मसाला रेडी। तो ये आप विंग को भी लगाएं, चिकन को लगाएं, जो मर्जी बनाएं आप, आपका मसाला रेडी है। तो इसको हम ऐसे डाल के अपने किसी डब्बे में रख दें सेव करके, तो एक महीना आप दो महीने आराम से यूज़ कर सकते हैं। जब मसाले बने हो ना तो आपका बहुत सा काम ख़त्म हो जाता है कि मसाले रेडी हैं, आपने फ़ौरन निकाले लगाए और 10-15 मिनट इसको रेस्ट के लिए रखा चिकन को, तो आपका चिकन तैयार। आपके इतने नाइस अच्छे मसाले जो आपने घर में बनाए होंगे आपको इतनी खुशी होगी कि हमने ये मसाले खुद बनाए हुए हैं। आपको पता होगा इसमें क्या डाला किस तरह बनाए। ऐसे आप लगा कर ढक्कन इसको आराम से रख दें तो आपका कितना काम ख़त्म हो जाएगा। तो ये रमज़ान के लिए बहुत इजी है, सब ये मसाले बनाएं और रख दें पूरे महीने के लिए, रमज़ान में आपको बहुत काम आएंगे। ये देखें माशाल्लाह हमारा मसाला रेडी हो गया है। तो हमने जब भी रोस्ट बनाने हो ना तो ऐसे एक चम्मच दो चम्मच लेकर तो इसको फ्रेश यूज़ करें। और मैं इसके लिए जो है ना अदरक गार्लिक पेस्ट जो है ना वो फ्रेश बनाकर यूज़ करती हूँ, पाउडर मैंने इसमें नहीं डाला। तो अगर आप इसमें पाउडर भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ये देखें हमारा इतना जल्दी मसाला रेडी हो गया है। तो हम इसको रमज़ान के लिए बनाकर दो तीन महीने के लिए भी रख सकते हैं। तो रमज़ान में इजी आपने रोस्ट या कोई चीज़ जैसे हमारी इफ्तार पार्टियाँ या चीज़ें होती हैं तो हमें ज़रूरत होती है तो बनाकर आप रख दें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं हम किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक खुदा हाफिज़।